मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्ज के बावजूद सरकार ने आपदा पीड़ितों को 4500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज जारी कर बेघर हुए लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। सुनील शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार एक वर्ष का कार्यकाल सराहनीय रहा है। उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि विपक्ष अपनी बातों से जनता को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सरकार थी तब उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं क्यों नहीं चलाई, क्यों उन्होंने गरीब पीड़ितों व बीमार लोगों के लिए कोई सार्थक योजना नहीं बनाई, विपक्ष इसका जवाब दे। आर्थिक स्थिति की बदहाली के बावजूद भी उन्होंने 4500 करोड़ रुपए की योजना हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों की सेवा में अर्पित की, तो अपने आप में हमारा बिल्कुल सही काम चल रहा है और हिमाचल प्रदेश के लोग हमारे साथ। आज विपक्ष जो ये जवाब दे सकता है कि आपने शिक्षण संस्थान बेहतर बनाने के लिए कोई योजना बनाई पिछले 5 साल में, क्या कोई उनसे पूछ सकता है स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई, क्या उनसे पूछ सकते हैं कि ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए पर्यावरण के लिए किस संजीदगी से आपने काम किया? कोई भी योजना उनके पास नहीं है, केवल मात्र एक योजना है कि वो शब्दों से अल्फाजों से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं।